साल 2013 के फिल्म द लंच बॉक्स में शेख का शानदार किरदार निभाने वाले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने काफी कम समय में बॉलीवुड में अपनी इतनी पहचान बना ली है कि आज उन्हें दुनिया भर का हर एक इंसान जानता है, जो अपने शानदार एक्टिंग से दर्शकों के फेवरेट बने हुए हैं और खुद को हर एक किरदार में इस तरह ढाल लेते हैं जैसे कि वो उस किरदार को जी रहे हों। और इनका यही अंदाज दर्शकों को इनकी फिल्में देखने पर मजबूर कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्म में शेख का किरदार निभाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत जल्द स्ट्रगल और मेहनत की है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी की इसी मेहनत के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस स्ट्रगल से लेकर फेमस होने तक की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही अपने फेवरेट अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी मेहनत और लगन से सफल मुकाम तक पहुंचने वाले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से कस्बे बुढ़ाना में एक जमींदार मुस्लिम परिवार में हुआ था। ये 8 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं और इनके परिवार में इन्हें मिलाकर कुल 10 सदस्य हैं। इन्होंने वडोदरा से बैचलर ऑफ साइंस में डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने नई नौकरी की तलाश में दिल्ली जाने से पहले एक साल तक वडोदरा में केमिस्ट की दुकान पर काम किया, पर एक बार दिल्ली में एक नाटक देखने के बाद वो तुरंत अभिनय की ओर आकर्षित हो गए और इस तरह से नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में एडमिशन लेने की कोशिश में उन्होंने 10 से ज्यादा नाटकों में दोस्तों के एक समूह के साथ अभिनय किया और इसके कुछ समय बाद मुंबई चले आए, जहां अपनी पहली फिल्म पाने के लिए कई रिजेक्शंस का भी सामना किया, जहां इन्हें इनके लुक्स की वजह से अक्सर रिजेक्ट कर दिया जाता था। पर इन्होंने साल 1999 में आमिर खान की फिल्म सरफरोश में एक छोटी भूमिका के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। इसके बाद वो 1999 की फिल्म शूल और 2000 की फिल्म जंगल में साथ ही राजकुमार हिरानी की मुन्ना भाई MBBS में दिखाई दिए। मुंबई जाने के बाद इन्होंने टेलीविजन सीरियल्स में काम पाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके अलावा 2002 और 2005 के बीच वो काफी हद तक काम से बाहर थे और एक फ्लैट में 4 लोगों के साथ रहते थे। 2004 जो उनके लाइफ के बुरे सालों में से एक था, क्योंकि उस समय नवाजुद्दीन सिद्दीकी किराया नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने NSD के एक आदमी से पूछा कि क्या वो उनके साथ रह सकते हैं। सीनियर ने उन्हें गोरेगांव में अपना अपार्टमेंट में रहने की इजाजत दी, पर इसके बदले उन्हें उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा और ऐसे समय पर नवाजुद्दीन गांव भी नहीं जा सकते थे क्योंकि वो डरते थे कि कोई क्या कहेगा। मगर 8 सालों तक बॉलीवुड में स्ट्रगल करने के बाद उन्हें पहली बार अनुराग कश्यप ने एक बड़ा रोल ऑफर किया फिल्म ब्लैक फ्राइडे में, और फिर साल 2009 में आई फिल्म देवडी में भी उन्हें काफी काम मिला। उसके बाद फिल्म न्यूयॉर्क और आखिरकार उनको लोगों की नजर में लाया गया फिल्म आमिर खान के प्रोडक्शन बैनर में बनी फिल्म पीपली बैनर की वजह से इस समय पर आकर उनकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी संभल चुकी थी। लेकिन नवाज अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, वो हमेशा से ही कुछ नया करना चाहते थे और आखिरकार अनुराग कश्यप ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। इस बार उन्हें लीड रोल ऑफर लिया गया था गैंगस्टर फैजल खान के रूप में गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए, जिसकी वजह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पूरे देश भर में तारीफें बटोरी। इसके लिए उन्हें अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और फिर नवाज नजर आए आमिर खान की फिल्म तलाश में, जिसमें उनका काफी अहम रोल था। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि 1999 में आमिर के फिल्म में सिर्फ 2 मिनट का रोल मिला था, पर 2012 में नवाज ने आमिर की फिल्म में काफी बड़ा रोल प्ले किया। फिर तो जैसे नवाजुद्दीन ने बॉलीवुड में अपनी पकड़ ही बना ली थी। कुछ बड़ी फिल्मों के साथ जैसे कि बदलापुर, मांझी, बजरंगी भाईजान के साथ, जिसके वजह से आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के टॉप अभिनेताओं में शुमार है और करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। और अब बता दें, हाल ही में इनकी फिल्म हीरोपंती 2 देखने को मिली है। एक नजर डालें इनकी पर्सनल लाइफ की ओर तो आपको बता दें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने साल 2009 में आलिया सिद्दीकी से शादी रचा ली थी, जिससे इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा जिसका नाम यानी सिद्दीकी है और एक बेटी जिसका नाम शोरा सिद्दीकी है। पर बता दें कि साल 2020 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आपसी मतभेद होने के कारण तलाक हो गया था।
वेल दोस्तों, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्ट्रगल से लेकर फेमस होने की कहानी के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।